सैकड़ों वीडियो हमने पिछले 2-3 सालों में देखे हैं। आप सोचिए, ये वीडियो वो है जहां पे मरने वाला जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसका वीडियो बन रहा है। मसलन वो अपनी शादी, किसी की शादी के अंदर नाच रहा है तो यार दोस्त रिश्तेदार वीडियो बना रहे हैं। कोई रामलीला के अंदर नाटक कर रहा है इसलिए उसका वीडियो बन रहा है। कोई स्टेज पे गा रहा था उसका इसलिए वीडियो बन रहा था, तो जैसे ही गुजरा वो चीज वीडियो में कैद हो गई। स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था वीडियो में कैद हो गई तो लोगों को पता चल गया। मगर ऐसे हजारों लोग होंगे, आप समझ सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी का 24 घंटा देखें साधारण आदमी, तो कितने घंटे आपकी वीडियो बनती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? महीने में कभी 2-4 बार ऐसे अवसर होते हैं जब आपकी वीडियो बन रहा होता है? वरना आप घर पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बन रहा होता। सो रहे हैं घर पे। हजारों लोग अपनी इस दिनचर्या के अंदर पिछले 2-3 सालों में दम तोड़ चुके हैं। और जब जब कोई दम तोड़ता था, लोगों के मन में ये सवाल था कि कहीं ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। आप गूगल करके देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल आपको दिख जाएंगे जिसके अंदर बड़े बड़े चैनल्स ने, बड़े बड़े अखबारों ने इस विषय में स्टोरीज की हैं कि क्या सडन राइज इन हार्ट अटैक्स, इज सडन राइज ऑफ हार्ट अटैक्स रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीन। ये सवाल सबके मन में है, ये चिंता सबके मन में है, क्योंकि सबके घर में लगभग सभी सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अब तक सिर्फ शक था, लोगों को सिर्फ चिंता थी, मगर आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में, यूके के एक कोर्ट में इस कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर क्लास सूट डाला गया, दीवानी दावा डाला गया, और छोटा मोटा नहीं, लगभग 1000 करोड़ का दावा इनके ऊपर डाला गया है। किन्होंने डाला है? उन नागरिकों ने डाला है जिनको इस वैक्सीन के बाद जिनके घर वालों की मृत्यु हो गई या वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। और 2 दिन पहले यूके की कोर्ट के अंदर एस्ट्राजेनेका ने ये बात कबूली है कोर्ट में कि इनकी जो ये वैक्सीन थी, जो हूबहू वैक्सीन भारत के अंदर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII अदार पूनावाला, पूनावाला की जो कंपनी बताई जाती थी, जिसकी कोविशील्ड नाम से वैक्सीन देश के अंदर करोड़ों लोगों को दी गई, भारत सरकार द्वारा प्रमोट की गई, भारत सरकार द्वारा, उस वैक्सीन के बारे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा कि इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होती है और प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कंपनी का कबूलनामा कोर्ट के अंदर बड़ी चिंता खड़ी करता है। हमारे देश के करोड़ों नागरिकों के लिए, करोड़ों परिवारों में जवान लड़के लड़कियों के लिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, सरकार को अब क्या करना चाहिए, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे ये पता चल सके कि क्या इस कोविड की कोविशील्ड
वैक्सीन की वजह से उनके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग तो शुरू नहीं हो गई है? और क्या केंद्र सरकार ने अब तक इस पे कुछ किया है? क्योंकि इस पे तो युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। युद्ध स्तर पे केंद्र सरकार को एस्ट्राजेनेका से बात करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि कैसे वार्निंग साइंस हम अपने घर के बच्चों में देख सकते हैं, सिम्टम्स हम अपने घर के परिवार के बच्चों में 40 साल के, 50 साल के ब्रेड अर्नर्स के अंदर जो पूरे घर को चलाते हैं उनमें देख सकते हैं, क्या ब्लड के टेस्ट उनके कराए जाएं, कितने महीने बाद वो ब्लड टेस्ट रिपीट कराए जाएं, ताकि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी जान बचाई जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।